कई दिनों से जंगल में जोर शोर से बारिश हो रही थी। तमाम परिंदे अपने बच्चों समेत अपने घोंसलों में दबके बैठे हुए थे। एक हेजहॉग का बच्चा जो अपनी माँ से बिछड़ गया था, वो तेज बारिश में जंगल में घूम रहा था। वो कभी एक घोंसले के पास जाता, तो कभी दूसरे घोंसले के पास, मगर कोई भी इसे अपने घोंसले में जगह देने को तैयार नहीं था। वो काफी देर से बारिश में भीग रहा था। माँ, हेजहॉग का बच्चा कब से बारिश में भीग रहा है? वो सर्दी से मर जाएगा। हमें उसे अपने घोंसले में ले आना चाहिए। हाँ, उसे अपने घोंसले में आने दो। कल को उसकी माँ आकर तुम दोनों को मार देगी तो उसका क्या होगा? नहीं उपहार भैया, अगर आज हम उसकी मदद करेंगे तो कल को वो हमारी मदद करेगा। मदद? अरे वाह, जो खुद सुबह से बारिश में भीग रहा है और अपने लिए एक जगह तलाश नहीं कर सकता, वो कल को तुम्हारी मदद करेगा। फिर रानी चिड़िया हेजहॉग के बच्चे को अपने घोंसले के अंदर ले आती। वो खिड़की से बाहर देखता है कि कब उसकी माँ से लेने आएगी। उधर हेजहॉग की माँ पूरे जंगल में उसे ढूंढती, मगर वो नहीं मिलता। सुबह वो रानी चिड़िया के घर के पास आती है और खिड़की में हेजहॉग को देख लेती है। वो उसे अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जंगल में तेज तूफान आता है और तमाम परिंदों के घोंसलों को गिराकर बहा के ले जाता है। तमाम परिंदे बेघर होकर बारिश के पानी में डूबने लगते हैं। पूरा जंगल परिंदों की चहचहाहट से गूंज उठता है। सब परिंदे उदास होते हैं कि अब वो तूफानी बारिश में कहाँ जाएंगे। इतने में हेजहॉग रानी चिड़िया के पास आता है और अपने जिस्म से कांटे उतार कर फेंकता है। फिर रानी चिड़िया और उसकी बेटी उन कांटों से अपने लिए घोंसला बनाती है। रानी चिड़िया और उसकी बेटी की मदद करके हेजहॉग बहुत खुश हो जाते हैं और वो खुशी से नाचने लगते हैं। तमाम परिंदे पशिमान होकर बैठ जाते हैं कि उन्होंने हेजहॉग की मदद क्यों नहीं की। अगर उन्होंने हेजहॉग की मदद की होती तो आज उनके पास एक घोंसला बनाने के लिए तिनके होते।